हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफरीनाज वर्ल्ड। लेट्स मेक होटल स्टाइल कढ़ाई मुर्गी पॉट रोस्टेड चिकन। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई मुर्गी। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए जल्दी से। 2 किलो चिकन का हमने बनाना है कढ़ाई मुर्गी। इसमें 4 अनियंस के पेस्ट लगेंगे, 1 अनियन बड़ा स्लाइस, और बाकी नॉर्मल मसाले जो लगते हैं, रेड चिली पाउडर, पैप्रिका पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, गर्म मसाला पाउडर, गरम मसाले। तो आइए शुरू करते हैं, हम आपको दिखाना कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे अपना कुकिंग ऑयल। मैंने तकरीबन 5 बड़े चम्मच कुकिंग स्पून ऑलिव ऑयल लिए हैं। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, कॉर्न ऑयल, एनी कुकिंग ऑयल यू प्रेफर। 2 kg चिकन हमने लिया, इसे अच्छे से वॉश करके पील करके रखा है, नींबू से अच्छे से धो के, ताकि इसकी स्मेल मर जाए। 1 बड़ा प्याज हमने स्लाइस कर लिया अच्छे से, और 4 बड़े प्याज के हमने पेस्ट बना लिए। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए पहले, सबसे पहले हम तेल में डालेंगे अपने गरम मसाले। 5 लौंग मैंने लिया है, 1 टेबलस्पून इलायची, 3 बड़े स्टिक्स दालचीनी और 2 तेजपत्ता। इन सबको हम अपने तेल में डाल देंगे और 2 मिनट तक इसे रखेंगे, ताकि ये तेल में अच्छे से क्रैकल हो जाए। वी फर्स्ट लेट आवर गरम मसाला क्रैकल इन आवर ऑयल एंड सॉटे इट फॉर 2 मिनट्स। देन वील एड आवर स्लाइस्ड अनियंस टू इट एंड फ्राई टिल गोल्डन ब्राउन। अब हम अपने प्याज को इसमें डालेंगे। जैसे ही मसाले हमारे गर्म मसाले थोड़े क्रैकल हो जाए, आवाज़ करने शुरू कर दे, तब हम इसमें अपने प्याज को डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे ऑयल में। इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, हम इसे एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। इसे हम लास्ट में यूज़ करेंगे क्रश करके अपने चिकन में डालने के लिए। अगर आपके पास 1 बड़ा प्याज नहीं हो तो 2 मीडियम अनियंस ले लीजिए। देखिए हमारे प्याज गोल्डन होके आ गए हैं, और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। गरम मसालों को नहीं निकालना, सिर्फ अनियंस को निकालना। अगर कुछ गरम मसाले उड़ गए तो उन्हें वापस डाल दीजिए, जैसे दालचीनी, तेजपत्ता वगैरह। अब इसी तेल में हम डालेंगे अपने अनियंस के पेस्ट को, और इसे अच्छे से तकरीबन 2 से 5 मिनट भुनाई करेंगे, जब तक ये थोड़ा रोस्टेड नहीं हो जाए। ये रोस्ट और अनियंस पेस्ट टिल इट इज लाइट गोल्डन ब्राउन। मीनवाइल द अनियन इज बिकमिंग रोस्टेड एंड ब्राउन, वील कट आर टोमेटोज, रफली चॉप आर टोमेटोज एंड ग्राइंड इट इन टू अ फाइन पेस्ट इन द मिक्सी। जब तक हमारे प्याज बनाई हो रहे हैं, हम जाके अपने टमाटरों को काट लेते हैं। 5 बड़े टमाटर मैंने लिए हैं, इन्हें अच्छे से धो लिया है मैंने, और अब हम इसे मिक्सी में रफली चॉप करके मिक्सी में डाल देंगे और पेस्ट बना देंगे इसका। अगर आपके पास मिक्सी ना हो तो आप ऐसे ही टोमेटोज डाल सकते हैं, बट फाइन पेस्ट बनाने से एक अच्छा लुक आता है, एक अच्छा टेक्सचर आता है। आप नॉर्मल ऐसे, अगर आपके पास मिक्सी नहीं हो तो थिन स्लाइसेस में काट दीजिए। जायका बस टमाटर का चाहिए, वैसे ही जायका होगा, और ना अगर मिक्सी हो तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इसे अच्छे से। देखिए हमारे प्याज अच्छे से भुनाई होके आ गए हैं, और हल्का हल्का ब्राउनिश कलर जैसे ही आ जाए, अब हम इसमें हमारा चिकन ऐड करेंगे। As soon as our onions become a little golden brown, we'll add our chickens to it. देखिए मैंने अपने चिकन को डाल दिया, उसे अच्छे से 2 मिनट तक इसमें भुनना है, इस प्याज के मसाले में। We'll roast our chicken in the onion masala and fry it for at least 2 minutes. Now we'll add our tomato paste to it. अब हम अपना टमाटर का पेस्ट इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से भुनाई करेंगे 5 से 10 मिनट तक। विल पुट आवर टोमेटो पेस्ट इन टू द चिकन एंड रोस्ट इट फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स ऑन हाई फ्लेम। देन वी लोअर द फ्लेम एंड कीप इट ऑन लो फ्लेम फॉर 5 मिनट्स।
टिल द चिकन इज टेंडर। अगर आपके पास पेस्ट नहीं हो जिंजर गार्लिक का तो आप एक फुल पॉड ऑफ गार्लिक ले लीजिए और 1 इंच का जिंजर स्लाइस करके ले लीजिए, और अगर आपके पास पेस्ट है तो 3 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लीजिए। इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए पेस्ट फॉर्म में और जरा सा पानी देके, और उसी मिक्सी में हम ग्राइंड कर सकते हैं। और इसमें आप 1 कप दही ऐड कर लीजिए और साथ में पेस्ट बना लीजिए। अब हम इस दही को वाले पेस्ट को चिकन में डाल देंगे अपनी ग्रेवी में और इसे अच्छे से कुक करेंगे। इसमें जरा सा सॉल्ट भी डाल देंगे। मैंने एक बड़ा कुकिंग स्पून सॉल्ट लिया है, आप तकरीबन 2 टेबलस्पून सॉल्ट ले लें और चेक कर लें। अगर नमक और चाहिए तो स्वाद अनुसार आप इसमें ऐड कर सकते हैं और सॉल्ट। और इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम अपने मसालों को अच्छे से हिलाएंगे और जो मिक्सी हमने रखी है कर्ड को अपने योगर्ट को पीस के ग्राइंड करके उसे उसका पानी नहीं फेंकना, उसमें ज़रा सा पानी डाल के उसे धो के रखना है। वो हम अपने चिकन में लास्ट में ऐड करेंगे गलने के लिए जब हम छोड़ेंगे इसे थोड़ा, तो वो पानी हमने रखना है फेंकना नहीं है। अभी हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने डाला है रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये सिर्फ कलर के लिए होता है, ये स्वीट होता है, इसमें झाल नहीं होता है। याद रहे कि हमारा ये जो कढ़ाई मुर्गी है बहुत ही सिंपल होता है, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं। 1 टीस्पून हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर, बल्कि 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दें, 2 केजी चिकन है तो। मैंने और 1 टीस्पून डाला था, वो मिस हो गया दिखाना, तो खैर हम 2 चम्मच ज़ीरा पाउडर डालेंगे इसमें। और लाल मिर्च और ज़ीरा के अलावा इसमें और कोई मसाले नहीं है, देखा आपने, जैसे कि पाउडर मसाले। और इसका जायका तभी आता है जब इसमें कम मसालों के साथ हम इसे पकाएंगे, और बेहतरीन इसका एक अपना चिकन फ्लेवर और अनियंस का गोल्डन अनियंस का फ्लेवर जब छोड़ेगा तो इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त जायका और टेस्ट आता है। वी ओनली यूज़ वेरी फ्यू मसालाज इन इट, रेड चिली पाउडर, पेपरिका पाउडर, सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड गोल्डन अनियंस एंड योगर्ट, दैट्स इट। नो अदर पाउडर मसालाज, नो धनिया एंड ऑल। So we're just going to, now we're just going to crush our golden onions and now we're going to add it in our chicken mixture and let it cook for, roast it for around 5 minutes on high flame and then lower the flame. अब हम अपने प्याज को अच्छे से चोल करके क्रश करके चिकन में ऐड करेंगे, साथ ही साथ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से 5 मिनट तक रोस्ट करेंगे। उसके बाद धीमा करके इसे ढाक देंगे 5 मिनट तक, गलने छोड़ेंगे। जब ये गल के आएगा तकरीबन, तब हमने इसे बचे हुए पानी जो हमने थे दही वाले वो इसमें ऐड कर दिए हैं, और इसे थोड़ा और गलने छोड़ देना है ताकि अच्छे से पूरा मसाला अंदर चला जाए। अच्छे से स्टर करके और तकरीबन 2 से 3 मिनट, या अगर ज़्यादा गलना बाकी तो 5 मिनट धीमे आँच पे रख के ढक देंगे इसे। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम 5 ग्रीन चिलीज इसमें ऐड करेंगे, और अगर आप ज़्यादा खाते हैं स्पाइसी तो आप 7-8 ऐड कर दें। और अब हम ढक देंगे। ढक्कन खोलने के बाद हम देखेंगे जब मुर्गी गल गई होगी सर्व करने से जस्ट पहले, और 5 हमने हरी मिर्चें और डाल दी हैं, और बस इसी तरह से बस अब हमें इसे निकालना है और गार्निश करना है, सर्व करना है। धनिया पत्ती काट के डाल देनी है ऊपर से और सर्व करनी है। लीजिए, हमारा कढ़ाई मुर्गी होटल स्टाइल एकदम तैयार है। ज़बरदस्त सा जायका और खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो नीचे प्रेस कर दीजिएगा लाइक बटन, और इसे शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू प्रेस द लाइक बटन एज शोन इन द वीडियो एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट टिल नाउ फॉर मोर अमेजिंग रेसिपीज।